नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए कमाल धमाल बेमिसाल वीडियो में। मेरा नाम है अतुल, आप देख रहे हैं टेक्निकल फिश यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आइए करते हैं प्रारंभ। दोस्तों आज का वीडियो जो होने वाला है थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको पता करना है या जानना है कि MediaTek का हेलियो P60 जो कि अभी प्रोसेसर आ गया है, जो फर्स्ट स्मार्टफोन उसका होने वाला है, रियलमी U1 उसके साथ आने वाला है। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो MediaTek का प्रोसेसर है, यानी जो P60 प्रोसेसर था, P23 था और सारे जो प्रोसेसर थे ये मिड रेंज के लिए प्रोसेसर बनाया करता था। अभी P70 है, हालांकि जो P60 अपना प्रोसेसर था वो काफी अच्छी टक्कर दे रहा था स्नैपड्रैगन के 660 को। तो अब देखिए ये जो आपका P70 है वो कितना अच्छा हो सकता है या कितना ये कह लीजिए अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आ सकता है मार्केट में, जो कि अच्छी टक्कर दे सकता है, ये समझ लीजिए आपके स्नैपड्रैगन 660 को और फिर हुआवे के किरिन 710 को। तो दोस्तों एंटीटू जो है बेंच स्कोर मार्क्स थे उसको आप देख ही सकते हैं, वो ज़्यादा है P70 का, ये कंपनी ने रिलीज़ किया था अपनी साइट पर। अब दोस्तों चलिए कुछ नज़र डाल लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस पर। और सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ इसके प्रोसेसर की, तो जो MediaTek का हीलियो P70 प्रोसेसर है वो बेस्ड है आपका 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे, और लेकिन आपका जो स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर है वो आपका आ जाता है 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे। और ये नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी आपका कहने का ये मतलब है कि कौन सा जो प्रोसेसर होने वाला है आपके लिए पावर एफिशिएंट होने वाला है, क्योंकि जितने कम नैनोमीटर यानी टेक्नोलॉजीज पे बनते जाएंगे, जितने कम नैनोमीटर होंगे उतना ज़्यादा एफिशिएंट आपको मिलेगा, क्योंकि बैटरी के ऊपर काफ़ी डिपेंड होगा, उसकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब इनके अगर हम GPU की बात कर लेते हैं, तो जो आपका हीलियो P60 है उसमें आपको आर्म कॉर्टेक्स A73 और A53 ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि GPU पे बेस्ड है। अब अगर मैं बात करता हूँ अपने P60 की, तो उसमें आर्म आपको माली G72 देखने को मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आपका स्नैपड्रैगन का जो 660 था वो एड्रिनो के 512 GPU पे बेस्ड आपको मिल गया था। अब अगर मैं एक कंपैरिजन की बात करता हूँ कि P60 और हीलियो P70 में क्या डिफरेंस है, तो 17% आपको मोर पावर मिलती है आपके हीलियो P70 में इन कंपैरिजन टू आपके P60। और फिर अगर 660 से बात करें, तो 660 तकरीबन टक्कर दे रहा था आपके P60 को, तो ये समझ लीजिए फिर जो है P70 बेटर होने वाला है आपके 660 प्रोसेसर से। अब अगर मैं एस्पेक्ट रेशियो की बात करता हूँ कि आपको P70 में कितने ज़्यादा एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, तो 13:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बेटर हो सकता है। यानी इसको आप एकदम कम्प्लीटली बेजल लेस स्मार्टफोन्स के रूप में भी देख सकते हैं, जिनके अंदर ये सपोर्ट कर सकता है। और फिर कनेक्टिविटी तो लगभग आपको तीनों में सेम मिल जाएगी, और वोल्टी का सपोर्ट दोनों ही सिम में आपको तीनों ही प्रोसेसर में देखने को मिल जाएगा। और जो P70 में एक नई टेक्नोलॉजी है VILTE, तो दोस्तों ये भी कुछ नया सा आया है, हालांकि ये भी फिलहाल यूज में नहीं है, बट ये सपोर्ट करता है। अब अगर मैं बात करूं कि इन कंपैरिजन टू P60 ये कितना पावर एफिशिएंट है, तो जैसे मैंने पहले बताया कि ये 12 नैनोमीटर बेस्ड चिपसेट है, और जबकि आपका स्नैपड्रैगन 660 जो है वो 14 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी पे है, तो ये थोड़ा ज्यादा एफिशिएंट होने वाला है पावर एफिशिएंट इन कंपैरिजन टू 660। अब दोस्तों जो नेक्स्ट बात आती है कि ये AI में कितना कैपेबल है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि P60 जो प्रोसेसर था वो काफ़ी अच्छा AI बेस्ड प्रोसेसर था, और आपका स्नैपड्रैगन 660 भी काफ़ी अच्छा प्रोसेसर था, बट इन दोनों से ये आपको 10% यानी 10-30% मोर आपको स्टेबल देखने को मिलेगा, और प्रोसेसिंग इसकी जो होगी AI वाली वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस मिलेगी 10-30% इन कंपैरिजन टू अदर जो P60 है और स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर है। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि ये कितना पावर एफिशिएंट है, तो आपको मैंने पहले ही बताया, और इन कंपैरिजन टू P60 ये 35% लोअर पावर को एफिशिएंट करता है, और फिर ये भी स्नैपड्रैगन से भी उतना लगभग 35-30% पावर एफिशिएंट हो सकता है। अब जो मेन चीज़ आती है हमारे कैमरास की, तो कैमरा का जो सपोर्ट होना चाहिए वो काफ़ी बेटर हमें मिलना चाहिए, जो कि हमारे चिपसेट के साथ देखने को मिल जाता है। तो इसमें आपको एक फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का देखने को मिल सकता है, अगर आप सिंगल कैमरा का यूज़ करते हैं फ्रंट में, और रियर में अगर डुअल कैमरा की मैं बात करता हूँ, तो आपको 24+16 मेगापिक्सल के दो कैमरा का यूज़ देखने को मिल जाएगा अगर कंपनी चाहे। यानी फिर अगर मैं बात करूँ P60 का, तो लगभग उसका जो सपोर्ट था सेम सा सपोर्ट था, उसमें भी आपको 24+16 और फिर एक सिंगल कैमरा आपको 32 का। अब जो नेक्स्ट आता है हमारा स्नैपड्रैगन का 660, तो 660 में आपको डुअल कैमरा 16 मेगापिक्सल के देखने को मिल सकते थे, और एक कैमरा आपको 25 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता। तो यानी जो P60 है वो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है मिड रेंज में भी, और जो हीलियो P60 है या
और जो हीलियो P70 भी आ गया है, तो ये भी काफ़ी अच्छे प्रोसेसर होने वाले हैं। तो दोस्तों अब मैं ओवरऑल एक बात करूं तो कौन सा ज़्यादा बेटर है, तो ऑफ कोर्स अगर हीलियो P70 ये काफ़ी अच्छी प्राइसिंग में आ जाता है, यानी बस्टेड प्राइसिंग में आता है, तो आपके लिए ऑफ कोर्स एक बेटर ऑप्शन होने वाला है इन कंपेरिजन टू P60 और P660 स्नैपड्रैगन के। तो मतलब बात ये है कि अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं, कुछ और अदर काम करना चाहते हैं, तो उसमें आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलने वाली है। सो अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं, कुछ अदर वर्क करना चाहते हैं रिलेटेड टू आपका फंक्शनिंग और परफॉर्मेंस, तो दोस्तों आपको ज़्यादा बेटर देखने को मिल जाएगा आपका हीलियो का P70। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा और आपको पसंद आई होगी वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए शानदार वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए।